सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर टू चेक द एग क्वालिटी इज योर एज. अगर लेडी की उम्र 35 ईयर्स से कम है तो उनकी एग क्वालिटी एज कम्पेयर टू वेमेन हु आर हायर एज, जैसे 40 या 40 के बाद की उम्र में जो एग क्वालिटी होती है उससे यंग लेडी की एग क्वालिटी कहीं बेटर होती है. चाहे उसका नंबर कम हो लेकिन क्वालिटी डेफिनेटली बेटर होती है. और उसमें जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी, एनियोप्लॉयडी, बच्चे में बनावटी खराबी होने के चांसेस भी कम रहते हैं. तो अगर हम अपनी प्रेगनेंसी थोड़ा जल्दी प्लान करें, 35 ईयर्स से कम में प्लान कर लें, तो प्रेगनेंसी भी जल्दी होती है और प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी कम रहते हैं. जितनी जितनी उम्र बढ़ती है उतनी एग क्वालिटी एज की वजह से उसमें कमी आती है और उसकी क्वालिटी और जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी ये सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है. तो कम उम्र में बच्चा करने में बहुत समझदारी है. अगर हम बच्चा पहले नहीं कर पा रहे हैं तो हम एग फ्रीजिंग करें, जो हम अपने पहले वीडियोस में आप देख सकते हैं डिस्कस कर चुके हैं कि हम एग फ्रीजिंग के ज़रिए अपने फर्टिलिटी पोटेंशियल को बचा सकते हैं.